हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल इंपैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मेगा सिटीज़ क्या है, स्मार्ट सिटीज़ क्या है। पर अब है कि किसी भी सिटी में आपको मूवमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर इकोनॉमिकल वेलबींग एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री। मतलब कि कभी भी तक जो भी सिविलाइजेशन का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही। तो किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का जो है डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही जो है पब्लिक का मूवमेंट हो सका हो सकता है, या फिर आपको कोई भी कमोडिटी है, कोई भी मटेरियल्स है, उसको ट्रांसपोर्ट करके आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और बिजनेस या फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो है हेल्दी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकल ग्रोथ के से लेकर आपके रूरल एरिया, अर्बन एरिया, नेशनल डिफेंस, सस्टेंड एक्सेस टू सेफ इफिशेंट ट्रैवल फॉर द कंट्री इनहेबिटेंट्स, और फर्दर मतलब कि कल्चरल पर्पज़ से भी या फिर टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी आपको मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली जो हमारे या वर्ल्ड में जो या फिर कंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंट मोड्स है ट्रांसपोर्ट के वो है रेलवे, रोडवे, एयरवे, वाटरवे, पाइपलाइंस। तो सबको एक एक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रोडवे। तो इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है जो कि लगभग 5.8 मिलियन किलोमीटर का है, और ये जो नेटवर्क जो है वो 64.5% जो है हमारा जो गुड्स है वो आपको ट्रांसपोर्ट करता है, और 90% हमारा जो है पैसेंजर्स हमारे रोड नेटवर्क्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते मतलब ट्रैवल करते हैं। बाकी जो है 10% जो है वो अदर मोड्स से है, ट्रेन, एयरपोर्ट, एयरवेज, इस सबसे ट्रैवल करते हैं। और गुड्स की जो बात कर ली जाए तो बाकी ज़्यादा डिफरेंट मोड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है सालों साल, और इस जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट टाउन्स और विलेज की सबसे ज़्यादा ये बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर ली जाए कि रोडवे का क्या मेरिट्स है, डिमेरिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। सबसे पहली बात है कि जो रोडवेज है उससे हमारा जो है बहुत कम खर्च में आप शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी अदर मोड्स के रेस्पेक्ट में। मतलब कि आपका शॉर्ट डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल आपका रोडवे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करी जाए स्पीडर मूवमेंट, तो आप फास्टली मूव कर सकते हैं वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन, वो भी बिना किसी मतलब रोक टोक के, बिना किसी आप किस तरह के मतलब रिस्ट्रिक्शंस के। आपकी आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, कभी मन करे तो आप वापस भी आ सकते हैं, कहीं आपको किस तरह का रोक टोक नहीं होता है, ये हाईवे में देखा जाता है। तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप या फिर छोटे पर्पज़ छोटे ट्रक्स को आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए छोटे अमाउंट में आप कुछ मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप हायर स्पीड से मूवमेंट कर सकते हैं। टचिंग फॉर फ्लंग मार्केट मच बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ रेलवे रेलवे द रोडवे आर नॉन फॉर रीचिंग इम्प्रिग्नेबल मार्केट पर्टिकुलरली हाईली रीजन वेयर रेलवे कैन नॉट रीच। तो आप रोडवे के थ्रू आप एक्सट्रीम कंडीशन में पहुँच सकते हैं, किसी भी हाईवे किसी हिली एरिया में पहुँच सकते हैं, जो छोटे मोटे मार्केट है उसमें भी आप अपनी पहुँच बना सकते हैं। इसमें है कि किसी तरह कंडीशन जरूरत पड़ती नहीं, सर्विसेज की जरूरत पड़ती नहीं है ज़्यादा, मतलब मेंटेनेंस की जरूरत है नहीं। एक बार कंस्ट्रक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत आपका मेंटेनेंस कर सकते हैं, करना पड़ता है, लेकिन बार बार आपको मेंटेनेंस कराना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा हेवी मेंटेनेंस खर्च नहीं होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट मोड को। नेक्स्ट बात कर ली जाए रोडवेज के डिमेरिट्स की, तो वो अनइकोनॉमिकल है लॉन्ग डिस्टेंस में। लॉन्गर डिस्टेंस में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे ये मतलब ये एक तरह से अनइकोनॉमिकल बन जाता है, वो खर्च बढ़ जाता है इसमें। ये फेयर वेदर रोड मतलब ट्रांसपोर्ट मोड है, मतलब मौसम अच्छा रहेगा तो आप मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाढ़ आ गए, मानसून आ गए, विंटर में बर्फबारी हो गई तो आपका ये रूट बंद हो सकता है। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए है ही नहीं। बल्क या हैवी मूवमेंट करना चाहते हैं, बहुत हेवी मतलब मटेरियल्स आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेलवे या फिर और मोड को आपको मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात बेसिकली है रोडवे का। तो रोडवे की बात की जाए तो रोडवे में हम लोग पेवमेंट बनाते हैं, मतलब कि रोड को पेव करते हैं एक तरह से उसको, तो उसमें जो है पेमेंट है वो दो टाइप के आते हैं, मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पहला है फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरा है रिजिड पेमेंट।
आजकल थर्ड टाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट पेमेंट। और उसके अलावा तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के भी आते हैं जिसको जैसे कि मतलब टाइल्स ब्रिक टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर, वो डिफरेंट टाइप के पेमेंट के टाइप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये दो ही मेन हैं हमारे पास, फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो लोड आने पर वो फ्लेक्सिबल थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लोड आने पर वो डिफॉर्म हो सकता है, वो जो लोड ट्रांसफ़र करता है वो ग्रेन टू ग्रेन करता है। तो इसमें जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मतलब मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, मतलब कि आपके सबसे बॉटम में आपके थोड़ा मतलब कम स्ट्रांग होता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, और जो टॉप लेवल होता है उसका जो स्ट्रेंथ बहुत हायर होती है। ऐसे इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो हमारा जो लोड आने पर स्ट्रेस भी होता है, टॉप पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बॉटम में कम स्ट्रेस होता है, तो इसीलिए धीरे धीरे मटेरियल की जो क्वालिटी है धीरे घटती है नीचे की तरफ। तो हमारे इसमें हम लोग सोयल तो होता ही है, उसके बाद सब बेस इस्तेमाल करते हैं, फिर बेस लेयर इस्तेमाल करते हैं, फिर सरफेस लेयर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कॉन्क्रीट पेमेंट में पहले तो एक सोयल लेयर होता है, सोयल लेयर के बाद हमारे पास होता है बेस लेयर और आपका सरफेस लेयर, बस यही लेयर होते हैं, उससे कॉन्क्रीट पेमेंट बना दिया जाता है। ये बेसिकली है आपका रोड पेमेंट के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा मोड जो है रेलवे। तो इंडियन रेलवे जो है अभी एशिया का लार्जेस्ट मतलब नेटवर्क बन चुका है और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है, और ये लगभग 72,000 किलोमीटर मीटर्स तक फैला है वो, और डेली रन आपका लगभग 1500 किलोमीटर तक होता है, और 12,000 ट्रेनें रन करती है, और 7 लाख टन गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। इतना मतलब हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं रेलवे पर, और बहुत ये अच्छी बात भी है क्योंकि आपको हायर लोड ट्रांसफ़र करना है या फिर लॉन्गर डिस्टेंस में जाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है हमारा रेलवे। तो रेलवे में जो हमारे एडवांटेजेज हैं वो है मेरिट से जो है लोड लार्जर लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो आप लोड जो है हेवियर अमाउंट में बल्क अमाउंट में आप लोड कैरी कर सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल होता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हेवी लोड्स के लिए। ये ऑल वेदर मोड होता है, मौसम ख़राब भी है फिर भी ये इस पे ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मूवमेंट कर सकते हैं बशर्ते आपके जो है ट्रैक है वो ख़राब ना हुआ हो। इट हैज कंटेनराइजेशन, मतलब कि आप इसमें कंटेनर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं या भी कच्चा माल भी होता है वो कंटेनर में फिल करके कंटेनर को जस्ट आपको रख देना पड़ता है ट्रेन पर, और वो ट्रेन से ही वो जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है इट लिंक्स इंटरनेशनल मार्केट, रेलवे आर द मेन सोर्स ऑफ कनेक्शन विद द मार्केट आउटसाइड द कंट्री, मूविंग गुड्स फ्रॉम इंटीरियर पार्ट्स टू पॉइंट ऑफ ओवरसीज सप्लाई। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेलवे ही है कि आपके इंटीरियर पार्ट में भी कोई गुड्स बनता है तो उसको आप बहुत कम टाइम में बहुत हेवियर अमाउंट में आप वहाँ से लेकर आप कोस्टल एरिया में प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे पोर्ट्स हैं शिप्स हैं वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर वहाँ से आप ओवरसीज भेज सकते हैं दूसरे कंट्रीज में भेज सकते हैं। अगर बात करें जाए डिसएडवांटेज के लिए, तो इस छोटे डिस्टेंस पर वो कॉस्टली होता है कि छोटे डिस्टेंस पर आप ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा महंगा पड़ता है नॉर्मली से, ये थोड़ा स्लोअर मूवमेंट है, मतलब कि आपका एयर ट्रांसपोर्ट से स्लोअर है ही और बाकी अदर मोड से तो ये थोड़ा फास्टर है, पर एयर ट्रांसपोर्ट से थोड़ा स्लोअर है। इन ऑर्डिनेट डिले, तो इंडिया में देखा जाता है कि जो हमारे पास 3 टाइप के लाइंस हैं, मतलब उसके विड्थ है कि अकॉर्डिंग ट्रैक्स है, वो 3 मतलब 3 डिफरेंट टाइप के ट्रैक्स आते हैं जिसको कहते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो जिसकी वजह से जो है एक गेज का ट्रेन दूसरे गेज में मूव नहीं कर सकता, तो इसी वजह से कुछ डिले भी हो सकता है। अभी बहुत सारे रीजन्स भी हैं कि हम लोग पास डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास रेलवे ट्रैक कम है, तो फिर उसी वजह से डिले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, तो ये थोड़ा इसमें आपका डिमेरिट है। तो अगर रेलवे की बात की जाए, ट्रैक की बात की जाए, तो परमानेंट वे जो है वो कंस्ट्रक्शन जो करते हैं हम लोग, पहले तो सब ग्रेड मतलब सॉइल ही होता है, उसके बाद सब बलास्ट, बलास्ट स्लीपर और फिर तब रेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो रेल है, रेल का जो व्हील है एक तरह से फिक्स होता है, आयरन से बना होता है, एक ही मटेरियल से, और इसमें कहीं ज्वाइनिंग नहीं होता है, और उसके बाद ये लोड ट्रांसफ़र होता है आपके रेल पे। एक्चुअली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा जो मटेरियल है, जो मतलब जो व्हील है और पाथ है दोनों एक ही मटेरियल का बना हो, तो उसमें आपका फ्रिक्शन कम होता है और हेवियर मूवमेंट आप इजीली कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन कम से कम हो और उसमें वियर भी ना हो, वियर टियर ना हो, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेलवे में, रेलवे का। तो इसमें आपका जो
सबसे अच्छा है कि आपका व्हील भी स्टील का होता है, आपका रेल भी स्टील का होता है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और हैवियर व्हीकल मतलब हैवियर लोड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो है रेल का जो लोड है वो आपके स्लीपर्स पे आता है, स्लीपर आपका स्टील का, कंक्रीट का या फिर वुडन का भी हो सकता है। फिर उससे लोड ट्रांसफ़र करने के लिए जो वाइब्रेशंस होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग बलास्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ये एग्रीगेट का एग्रीगेट ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सब बलास्ट होता है और बलास्ट के नीचे सॉइल होता रहता है, तो इस तरह से हम लोग का रेल ट्रैक बनता है। अब बात कर लेते हैं एयरवेज की। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है और जो पैसेंजर वो डेली हर मतलब हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लगभग 16.3% तक बढ़ चुका है 2000 से 2015 के बीच में। और ये एयर ट्रैफिक जो है 131 मिलियन पैसेंजर था 2016 में, और धीरे धीरे ये भी बढ़ने वाला ही है और इसका भी मतलब पूरी तरह से पोटेंशियल इसको तक जो भी है हमारे मतलब इंडिया में जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने अचीव नहीं किया है, पर फिर भी अभी तक हमारे इंडिया में 486 एयरपोर्ट्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, फ्लाइंग स्कूल्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, मतलब सब मिलाकर 486 टाइप के एयरपोर्ट्स हैं हमारे एग्जिस्टिंग हैं, जिसमें से 123 एयरपोर्ट जो है कमर्शियल फ्लाइट जिस पर हमारा मूव होता है, जिसमें सिविलियन आर्मी सब मिक्स होता है, मतलब बाकी के मतलब इस्तेमाल नहीं होते पर है अभी भी दूसरे पर्पज़ के इस्तेमाल कर किए जाते हैं, फ्लाइंग के लिए या फिर फ्लाइंग स्कूल्स के लिए या फिर किसी और रीजन के लिए। 34 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें कि अब बात कर लिया जाए कि मेरिट्स की क्या एडवांटेजेज हैं, तो ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मोड है जिससे फास्टेस्ट मूव कर सकते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड है, किसी मौसम में जा सकते हैं, आपको बाढ़ है या फिर सूखा है या फिर किस वॉर हो या अर्थक्वेक हो, आप किसी भी रीजन में किसी भी सिचुएशन में आप मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, मतलब कि आप बहुत किसी को भी मतलब आप टाइम की बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं और वो बहुत फास्ट टाइम मतलब फास्ट स्पीड से आप कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिड्यूस इन्वेंटरी होल्डिंग जिसकी वजह से फास्टेस्ट इसमें सर्विसेज मिलता है, तो इससे मतलब कि आपको कोई भी मतलब गुड्स को यहाँ से एक जगह दूसरी जगह ले जाने में किसी तरह का इशू नहीं आता है, कुछ आपको मतलब ख़राब होने वाली सामान भी है वो भी आप फास्टली भेज सकते हैं। डिमेरिट की बात कर ली जाए तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली ट्रांसपोर्ट मोड है और बहुत ज़्यादा इसमें हाई हेवी को मतलब फंड जरूरत पड़ता है, मतलब इनिशियल हो या फिर मेंटेनेंस हो, जो है लिमिटेड है स्पेस मतलब लिमिटेड ही लोकेशंस पर आप इसको मतलब एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी मतलब किसी जहाँ पे एयरपोर्ट है वहीं पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं और नहीं ले जा सकते। लिमिटेड कार्गो कैपेसिटी, तो इसका जो है वो लोड को आपको उड़ा कर ले जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से इसमें भी कैपेसिटी है, वो एक फिक्स्ड वेट तक ही वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। तो अगर बात कर जाए कि एयरपोर्ट पे, तो जो जिस तरह की रोडवे या रेलवे है जो कि हम लोग उसमें जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो मेनली पाथवे करते हैं जिस पर आपके व्हीकल्स मूव करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की बात कर ली जाए तो उसमें जो पाथवे तो आपका एयर है, तो उसमें किसी तरह कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है आपके एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट में जो स्ट्रक्चर्स की बात कर ली जाए तो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो एयरपोर्ट में जो है एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करने के लिए और टेकऑफ करने के लिए मतलब ग्राउंड से एयर में जाने के लिए, अभी एयर से ग्राउंड में आने के लिए होता है रनवे, रनवे से पास करने के लिए होता है टैक्सीवे, टैक्सीवे से हम लोग जाते हैं एप्रोन एरिया में, एप्रोन एरिया में जो है एयरक्राफ्ट से लोडिंग अनलोडिंग होता है पैसेंजर्स का गुड्स का, और उसके बाद जो पैसेंजर है वो टर्मिनल बिल्डिंग में आते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। उसके अलावा हेलीपैड दे सकते हैं हेलीकॉप्टर के लैंडिंग टेकअप करने के लिए, फिर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट में कुछ अगर मेंटेनेंस करना है तो आपको उसे भेज सकते हैं हैंगर एरिया में। ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं आगे पूरे एयरपोर्ट्स में। हाँ, एक और है जिसे बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल या कंट्रोल टावर, जिससे कि आपको पूरा ऑपरेशन है एयरपोर्ट का वो मैनेज किया जाता है, जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके एयरपोर्ट के हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मोड जो कि है वाटरवेज। वाटरवेज जो है वो नेशन का मतलब इंडिया का अल्टरनेटिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड है जो कि फुल्ली अभी तक इस्तेमाल किया नहीं गया है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बहुत इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और ये लगभग हमारे इंडिया में 7,000 किलोमीटर तक नेविगेशनल रिवर अवेलेबल है, जिसमें अभी तक बस 2,500 किलोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है।
और इंडिया में जो है भी है मतलब कि लगभग 4,800 किलोमीटर का कैनाल है, मतलब नहर है, जिसमें से 600 किलोमीटर तक का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो कि मतलब कि बहुत कम से कम तो अभी 400 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं है हम लोग। तो वाटरवे की बात करें तो की जाए तो ये आपका सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट मोड है, क्योंकि इसके में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती नहीं है, कम एनर्जी के कम फ्यूल में आप ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं। इनलैंड में कुछ तरह का ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो चीपर भी है, और हेवी और फ्रेजाइल प्रोडक्ट को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि हेवी को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग फैसिलिटी अगर रहे तो बहुत ईजी होता है। ये जो कार्गो जो है जो भी आप भेजना चाहते हैं लोडिंग करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें किसी तरह का पास बनाने जो तो पता नहीं है इसमें, किसी तरह का मतलब ट्रैफिक कंजेशन तो होता नहीं है इसमें, आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं रोड की तरह, और सब तरह के व्हीकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक आप जहाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमेरिट ये है कि सबसे स्लोवेस्ट ये आपका मोड है, और सब जो ट्रांसपोर्ट मोड है उससे स्लो जाता है। और दूसरा है कि अनरिलायबल है, क्योंकि सीजन जो चेंज होगा या फिर किसी तरह से बारिश हो जाएगा या किसी और चीज़ वजह होगा, मतलब तूफान आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा इफेक्टेड हो सकता है, और कैनाल का वाटर जो है उसमें हमेशा अवेलेबल रहे ना रहे, इसके थोड़ा सा इश्यूज है इसमें। लिमिटेड ही सर्विसेज है, मतलब कि जहाँ पे इस तरह के रिवर्स है, नेविगेशनल रिवर है, वहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़ा सा डिमेरिट है इसमें। तो वाटरवेज की बात कर ली जाए तो इनलैंड जो है मतलब कि कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन तो रिवर और कैनाल के थ्रू कर सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, वो हमारा सी के थ्रू ही होता है, ओशन के थ्रू ही होता है, जो कि वाटर है हमारा, वाटर बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट मोड है, और इससे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है और इससे सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है। तो इसमें अगर कुछ बात कर लीजिए कि क्या क्या आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसमें होता है कि जो सी का जो वेव्स है वो इफेक्ट ना करे वो अंदर आपके सी पोर्ट में, तो उसके लिए हमारा होता है ये आपका ब्रेक वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक वाटर होता है। और आपके ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब लोडिंग अनलोडिंग के लिए यहाँ पे जेटीज होता है, जहाँ से आप सिप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस होता है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हार्बर होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे उसको पार्क कर सकते हैं, जिस तरह व्हीकल पार्क किया जाता है। उसके अलावा मतलब किसी और पर्पज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट एंकरेज एरिया या पोर्ट फैसिलिटी होती है, जहाँ से आप लोडिंग अनलोडिंग या फिर रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारा सी पोर्ट होता है। अब बात कर लीजिए पाइपलाइन की, तो पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो मेनली है हमारा गुड्स के लिए है, मतलब मटेरियल्स के लिए है, वो भी लिक्विड फॉर्म में हो तो। और ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस ट्रांसपोर्ट है, मोड है आपका लिक्विड के लिए, जो कि जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, केमिकल, कोल, लाइम स्टोन, आयरन और कॉपर कॉन्सेंट्रेट गैस, इस तरह का जो है उसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो है यूएसए, यूएसएसआर और मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर इंडिया में अभी थोड़ा स्लो है। तो टोटल पाइप लेंथ है इंडिया में जो कि प्रेजेंट में है लगभग 8,000 किलोमीटर तक है, जो प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों इस्तेमाल करते हैं, वो मेनली हमारा जो ऑयल इंडिया का कॉरपोरेशन है जो लिमिटेड है, IOCL है, नेचुरल गैस ONGC है, ये सब जो है इस्तेमाल करते हैं। बिगेस्ट पाइपलाइन जो है ईरान से इंडिया के बीच में प्लान किया गया है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिकल है, आप फास्ट से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन मतलब लगभग रेल रोडवेज से ज़्यादा कम सस्ते में, मतलब सस्ते में आप भेज सकते हैं, किसी तरह का बीच में इंटरप्शन नहीं है, कुछ में मतलब वेदर कुछ आपको इशू है नहीं, इसके लिए आप बिना किसी स्टेज के आप बहुत ज़्यादा फास्ट इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी तरह का वेस्टेज का इशू भी नहीं है इसमें, और अंडरग्राउंड वे से लेकर में भी भेज सकते हैं, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जगह की जरूरत पड़ती नहीं है। तो डिमेरिट की बात कर ली जाए तो इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरू में ही आपके, और ये अगर इसमें थोड़ा सा खतरा रहता है कि कोई अटैक कर दे तो इस वजह से आपका सप्लाई लाइन पूरा बर्बाद हो सकता है, तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है हमारा पाइपलाइन में। तो अब बात कर ली जाए टनल जो है कि अंडरग्राउंड पासेज है, जो का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि सॉइल के अंदर खोद कर ही बनाया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुँचा जा सके। तो पाइपलाइन जो है एक तरह का टनल नहीं है, पाइपलाइन की बात की जाए तो हम लोग टनल नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपका अगर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग टनल का, वो थोड़ा सा पाइपलाइन की तरह भी कर सकते हैं। नॉर्मल हम लोग सॉइल के अंदर या फिर पहाड़ के अंदर खोद कर
पाइप की तरह बिछा कर हम लोग टनलिंग कर सकते हैं, पर पाइपलाइन को हम लोग टनल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो टनल जो है वो एक तरह से भी जो मतलब एक पाथवे मतलब कुछ पर्सन्स के लिए हो सकता है, मतलब पैसेंजर्स के लिए हो सकता है, या फिर पेडेस्ट्रियन के लिए हो सकता है, या व्हीकल रोड के लिए हो सकता है, या फिर रेल के लिए हो सकता है, या फिर नहर के लिए भी टनल हो सकता है। तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क आर यूजुअली इन द टनल। तो जनरली देखा जाता है कि जो फास्ट मूवमेंट करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मोड होते हैं, तो अगर कहीं पर आप पहले से जाते हैं तो टनल देना पड़ता है उसके लिए। तो कुछ टनल जो होता है वो एक्वीडक्ट भी होता है, मतलब वाटर सप्लाई के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है कभी कभी, तो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पावर जनरेशन करने के लिए भी जो है हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी टनल्स की जरूरत पड़ती है। सीवर्स में भी टनल्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह से बात की जाए नेक्स्ट की यूटिलिटी टनल क्या होता है। तो यूटिलिटी टनल वो है जहाँ पर हम लोग किसी मतलब पर्पज़ के लिए या फिर कोई भी चीज़ गुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए टनल बनाते हैं, जैसे कि हो गया स्टीम प्रोवाइड करने के लिए, चिल्ड वाटर प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, टेलीकॉम कम्युनिकेशन केबल्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग टनलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यूटिलिटी टनल में आती हैं। स्पेशल टनल की बात की जाए तो कभी कभी होता है कि वाइल्ड लाइफ के मतलब कि कहीं पर आप हाईवे बना रहे हैं, तो हाईवे में से आप कोई मतलब कि किसी वाइल्ड एरिया में या फिर किसी मतलब फॉरेस्ट में कोई एरिया से पास कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए मतलब वाइल्ड एनिमल्स के लिए आप अलग से टनल बना सकते हैं जो कि वो क्रॉस कर सके इस तरह के स्ट्रक्चर्स को। तो टनल्स रोडवे, रेलवे में, वाटरवे में इस्तेमाल किया जा सकता है, और अंडरग्राउंड मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टनल्स का। टनल्स जो है कि जो टनल्स का जो है अंडर वाटर भी बोरिंग किया जाता है, मतलब कि पानी के नीचे जो सॉयल है उसके अंदर भी हम लोग करते हैं बोरिंग। इसके लिए मैं आगे बताऊँगा आगे। द अंडर वाटर टनल इज ए स्ट्रक्चर विच इज बिल्ड अंडर द वाटर टू मेक ए वे थ्रू इट। इट इज इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज नॉट पॉसिबल देन अंडर वाटर टनल इज गुड चॉइस। तो ये देखा जाता है कि जो अंडर वाटर टनल जो है वो जो सॉयल मतलब वाटर के नीचे जो सॉयल के नीचे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये तभी करते हैं जब अगर ऊपर हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का थोड़ा प्रॉब्लम हो, उसमें कुछ पॉसिबल ना हो। तो अंडर वाटर टनल जो कि कॉस्टली प्रोसेस है, और ये ब्रिज थोड़ा एडवांसेज तो हैं क्योंकि ब्रिज बनाएंगे तो अगर आप उसमें वाटर के ऊपर जो है जहाज़ का जो पासिस है उसको प्रोवाइड करने के लिए आपको तो हाइट बनाना पड़ता है ब्रिज का। अगर आप अंडर वाटर टनलिंग कर रहे हैं, पाथवे बना रहे हैं, तो इसके लिए शिप्स को ज़्यादा इश्यूज नहीं आती है, ठीक है। तो बात की जाए टनल की, तो टनल का क्या एडवांटेजेस है। तो इसका जो है एडवांटेज है वो है कि आपका इकोनॉमिकल है, आप ब्रिज बनाने से अच्छा टनल बना सकते हैं। सरफेस जो है लाइफ जो है गुड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन का जो है, तो मतलब कि सॉइल के अंदर का मतलब अगर टनलिंग बना रहे हैं तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन मोड में किस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आता है, मतलब एटमॉस्फेयर का। इसमें द मेथड इंश्योर हाई स्पीड आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लो पावर कंजप्शन के साथ, आपका इसकी वजह से बाहर की तरफ कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा अगर टनलिंग में मूवमेंट कर रहे हैं आप। तो दिस मेथड हैव फ्रीडम फ्रॉम स्नो आइस, मतलब कि कहीं बर्फ या फिर गिरने के चांसेस नहीं है टनल के अंदर, ठीक है। सरफेस एयर इंटरफेस इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर टनल, तो आपको किस तरह का मतलब हवा से या फिर बारिश से किस तरह मतलब प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। प्रोविजन ऑफ टनल विथ ईजी ग्रेडियंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हॉलिंग, तो अगर आपके पास ईजी ग्रेडियंट है तो आप खींचने का जो खर्च है वो बच, मतलब कि अगर आपके पास सही से टनल में आप अपने हिसाब से उसमें स्लोप दे सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो हम लोग ग्रेडियंट जो अगर किसी हिल को क्रॉस करना होता है तो क्या करते हैं, मतलब कि उसमें हायर स्लोप देना पड़ता है, तो हायर स्लोप में आपको ज़्यादा फ्यूल का कंजेशन होता है। लेकिन टनल्स में आप अपने हिसाब से स्लोप दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो फ्यूल का कॉस्ट कम आएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है पब्लिक यूटिलिटी से लेकर आप डिफरेंट टाइप से मतलब यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं टनल के थ्रू। डेंजरस ओपन कट टू नियर बाई द स्ट्रक्चर व्हेन इट इज नीडेड इज सॉल्व्ड बाई टनल मेथड, तो अगर ब्रिज बनाने हैं तो ब्रिज करने के लिए पियर चाहिए होता है, तो पियर जो है उसके लिए आप कहीं ना कहीं कट करना पड़ेगा, कहीं कोई स्ट्रक्चर का वो इफेक्ट करना पड़ेगा, तो ये जो प्रॉब्लम है टनलिंग में नहीं आती है। तो टनलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है कि अगर किसी तरह का वॉर सिनेरियो हो तो उसमें भी बॉम्बिंग के केस में आपको
बॉम्बिंग होती है उस पर, तो भी आपका सिफ रहता है वहाँ पे। तो टर्निंग की जो डिसएडवांटेज की बात कर लिया, तो ये जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और डिफ़िकल्ट भी होता है बनाने में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा आपका हायर होता है, मतलब पूरा ओपन कट करने से रेस्पेक्ट में। इसके लिए हायर एक्सपीरियंसड और हायर स्किल इंजीनियर चाहिए और टीम चाहिए उसके लिए। हायर और को मतलब सुपरविजन कॉस्ट ज़्यादा लगता है इसमें, और थोड़ा सा इसमें इक्विपमेंट भी हायर सोफिस्टिकेटेड लगता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अंडर वाटर टनल की बात की जाए, तो अंडर वाटर टनल जो है आपका यह हो सकता है कि पार्टली अंडर वाटर हो और या फिर फुल्ली अंडर वाटर हो। तो इंडिया की बात कर ली जाए, तो इंडिया में ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल बन रहा है आपके कोलकाता में हुगली रिवर के नीचे, जो कि लगभग 10.8 किलोमीटर का है और विड्थ 5.5 मीटर का है, जो कि इसमें बनने के चांसेस हैं अभी कि वो जो कि एक मेट्रो के लिए बनाया जा रहा है। मतलब कि पानी है, पानी के नीचे सॉयल है, सॉयल नीचे बनाया जा रहा है। तो उसके अलावा आप देखें तो एक नॉर्वे में भी इस तरह का फ्लोटिंग टनल बनाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे टनल जो है अंडर वाटर है, वो भी फ्लोटिंग है। ठीक है, तो एडवांटेज देखा जाए तो कि ये ब्रिज से है कि हमारे पास कि जो है शिप को पास, आप पानी के ऊपर शिप को पास करने के लिए एक ब्रिज बनाने से प्रॉब्लम आती है, तो ये इससे बच सकते हैं। किस तरह कंजेशन ट्रैफिक नहीं होगा, और ब्रिज हो सकता है कि किसी वेदर कंडीशन की वजह से बंद हो जाए, पर ये को बंद नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात कर लीजिए, तो कि इस तरह के बनाने टनल बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्किल पर्सन की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद है कि छोटे डिस्टेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब अनइकोनॉमिकल होता है इस तरह का टनल। और बात करी जाए फेरी लिंक की, फेरी लिंक मतलब जो शिप्स के लिए जो लिंक है, तो शिप्स के लिए जो लिंक है तो उसके लिए जो ब्रिज है वो आपका चीपर होगा, जबकि आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपका कॉस्टली हो सकता है, मतलब कि इनिशियल कॉस्ट। लेकिन मेंटेनेंस जो है या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका सब टनल में ही आपका कमाएगा। ठीक है, तो बात कर लिया जाए सी कैनाल की, तो कैनाल्स आर वाटरवेज मैंने डिस्कस किया था, ये आर्टिफिशियल वाटरवेज है जो कि जो पर्पस होता है वाटर को सप्लाई करना, कन्वेंस करना, या फिर इरिगेशन के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए। तो ये जो केसेस जो इस तरह के जो इंजीनियरिंग वर्क्स आते हैं उसमें डैम्स होते हैं, लॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिजर्वर होते हैं, लो स्पीड करंट फ्लो भी होता है उसमें, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के वाटर हो सकते हैं जिसको हम लोग स्लैक वाटर लेवल्स बोलते हैं। तो शिप्स का नाम प्रोवाइड किए जाते हैं मेनली ये, ताकि वो एक शिप को एकोमोडेट कर पाए। तो ये ओशियन में हो सकता है या सी में या फिर लेक में हम लोग प्रोवाइड कर कनेक्टिविटी बनाने के लिए करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट बराज बनाए जाते हैं और डिफरेंट वेसल्स मतलब कि मतलब शिप्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के कैनल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर आप एक सी को दूसरे सी से जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आपको लोडिंग अनलोडिंग करने का झंझट आप नहीं चाहते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे कैनल बना सकते हैं। ठीक है, तो शिप कैनल से क्या फ़ायदा क्या होता है, ये आपका शॉर्टकट प्रोवाइड करता है और लेंथी रूट को कम करता है। नेविगेशनल थोड़ा सा आपको लैंड लॉक एरिया में भी कर सकते हैं शिप के थ्रू, सिटीज में भी आप पास कर सकते हैं शिप कैनल के थ्रू, और एक तरह से ये इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कैनल पूरा बनाना पड़ेगा आपको, जगह जगह पर वियर डैम्स बनाने पड़ेंगे, जगह जगहों पर जो है आपको लॉन्गर और जेंटल आपको स्लोप बनाने पड़ेंगे, हायर स्लोप बना नहीं सकते इसमें रीजिंग प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपको फॉल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पाएंगे तो इसमें आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, जगह जगह पर लॉक्स बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद एक्वेडक्ट बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद वाटर जो है वाटर सप्लाई के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसका म्यूनसिपल यूज भी कर सकते हैं, तो म्यूनसिपल के लिए आपको जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाइड्रो पावर प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात कर ली जाए कि वैसे ट्रांसपोर्ट मोड जो कि हमारे फ्यूचर में हमें इफेक्ट कर सकते हैं, जो कि आने वाले ही टेक्नोलॉजी है, जो कि है सेल्फ ड्राइविंग कार एक है, जो कि हम लोग इसको ऑटोनोमस व्हीकल या फिर ड्राइवरलेस कार या रोबोट कार भी बोलते हैं। तो उसके पास इतने सारे सेंसर लगा दिए जाते हैं ताकि वो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस कर सके, रडार हो, लेडर हो, सोनार हो, जीपीएस फैसिलिटी हो, ताकि अपने डिसीजन को खुद ले सके, अपने अकॉर्डिंग ही जो ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग ही स्पीड को फास्ट स्लो कर सके। तो ये इस तरह की
सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। और जो वेमको कंपनी जो है पहली बार इस तरह की टैक्सी बनाई थी फिनिक्स में, तो अर्जुना में उन्होंने शो किया था, जबकि टेस्ला ने अभी ने भी इस पर काम किया है और 2021 तक उन्होंने वो भी ला देंगे मार्केट में। न्यूरो जो है और डिफरेंट कंपनी है वो धीरे धीरे इसमें भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैंगलेव ट्रेन है। मैंगलेव ट्रेन जो कि है मैग्नेटिक लेविएशन सो फुल फॉर्म है, मतलब वैसा ट्रेन है जिसको आपकी किसी भी ट्रेन का मूवमेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया करता है उसका फ्रिक्शन, व्हीकल के व्हील और आपके ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन। तो अगर उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये इसमें उपाय किया गया है कि व्हीकल्स को ही 4 inches एबव ट्रैक के ऊपर वो आप राइज कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। और उसके बाद जो है आपका जो पूरा व्हीकल है पूरा ट्रैक से ऊपर वो उठा हुआ है और उसको पुश भी हम लोग उसी से करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से करते हैं, जिसकी वजह से एक फास्टर मूवमेंट आपका क्रिएट हो पाता है और आप हायर स्पीड अचीव कर पाते हैं। जिस वजह से तो मैग्नेट ट्रेन ऑलरेडी ऑपरेशन में है चाइना जर्मनी में और धीरे धीरे आपके पूरे वर्ल्ड में ये फेमस होने वाला है। नेक्स्ट है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि है, जिसके कॉन्सेप्ट है उनका कॉन्सेप्ट का फाउंडर जो है वो इलोन मस्क, टेस्ला कंपनी और स्पेसिस के ऑनर जो हैं, और उन्होंने ही बड़ा डेवलप किया है ये डिज़ाइन। और जो है बहुत सारी कंपनियां इस पर काम कर रही है ताकि जो है इसमें होता ये है कि ट्यूब्स के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और पॉड से जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू ही ये जो है ट्रांसपोर्ट मोड इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बेनिफिट ये है कि आपका कुछ जो फ्रिक्शन है वो कम कर दिया गया है और उसके अलावा जो है एयर ड्रैग था उसको भी मतलब नेग्लिजिबल कर दिया गया है सारा वैक्यूम क्रिएट करने के बाद। तो इसमें मतलब 600 to 760 माइल पर आवर के स्पीड से इसमें भी सेंड किया जा सकता है। तो कुछ कंट्रीज में इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जा चुका है और कुछ कंट्री में इंडिया में भी इसको भी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात कर ली जाए सेटेलाइट बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, तो ये इस तरह का जो सिस्टम है, जो पुराना जो सिस्टम था एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसपोर्ट मोड को ट्रैक करने के लिए, तो पुराना ही है 1960s का है। तो अब सेटेलाइट बेस्ड को ये US गवर्नमेंट इसको लाने की कोशिश कर रही है, तो जो लगभग 2025 में सब जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो फुल्ली कनेक्टेड रहे जो पूरा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और वो कहीं भी हो वो उसको ट्रैक कर सके और उसको पाथवे उसको प्रोवाइड कर सके। तो इससे अगर टाइम भी बचेगा, फ्यूल बचेगा और ट्रैफिक भी बचेगा और कम टाइम में ज़्यादा कैपेसिटी को आप हैंडल कर पाएंगे। तो इस तरह की फैसिलिटी धीरे धीरे आने वाली हैं मतलब एयर ट्रांसपोर्ट मोड में। नेक्स्ट है रोड, स्मार्ट रोड्स की बात कर ली जाए, तो अब धीरे धीरे ऐसी जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके जो है ट्रांसपोर्ट मोड में जो रोड व्हीकल्स है उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है। स्मार्ट मतलब कि उसमें जो है लाइटिंग है वो एनिमेशन के थ्रू शो की जा सके। लाइटिंग इस तरह की हो कि आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सके, आपको जो चाहते हैं जिस तरह के ट्रैफिक को मूवमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप रोड को एज ए डिस्प्ले के रूप में इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि किस जगह पर आपके कार्स के लिए पार्किंग है, कहाँ पर आपका मूवमेंट के लिए कार्स के लिए ट्रैक है, कहाँ पर साइकिल ट्रैक है, ये सारी चीज़ें, और ज़रूरत के हिसाब से वो चेंज भी कर सकते हैं आप सारी फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद है कुछ आपके कोई रोड में कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और चीज़ हुआ है, उससे पहले भी आप ये एक तरह से एनिमेशन के थ्रू चेंज करके बता सकते हैं कि आप रूट को चेंज करने के लिए भी आप ये सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं डिस्प्ले के थ्रू। तो स्मार्ट रोड में एक आता है एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो सोलर रोड्स भी बोलते हैं। इसमें ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो सोलर पावर जो है वो जनरेट करने के लिए जो भी आपके सोलर पैनल लगते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया चाहिए होता है। तो रोडवे भी बहुत लार्ज एरिया में फैला होता है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के साथ साथ जो है ये पावर दे सकता है वहाँ के लाइट्स को, वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चार्जिंग को भी पावर दे सकता है, और साथ में अगर कहीं पे किसी रीजन में बर्फ़ जमा होती है तो वहाँ पे हीटिंग के थ्रू वहाँ को बर्फ़ को पिघलाने का भी काम किया जा सकता है। तो इस तरह की जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप की जा रही है ताकि उसको रोडवे को भी स्मार्ट बनाया जा सके। एक टेक्नोलॉजी है जो बोलते हैं एलिवेटेड बस जो है, ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, जिसमें कि बसेस को हाइट पर बनाया जाए ताकि उसके नीचे जो है छोटे व्हीकल्स पास कर सकें।
तो कम स्पेस में ज़्यादा ट्रैफिक को मूवमेंट कराने का एक डिफरेंट मेथड है ये, कि आप डिफरेंट टाइप के फ्लाईओवर बनाने की जगह पर वैसे व्हीकल्स बना जाए जो कि हाइट पे मूव कर रहे हों, तो आप कम स्पेस में ज़्यादा मतलब व्हीकल्स को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसको लोग ट्रांजिट एलिवेटेड बस भी बोलते हैं, जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल डिज़ाइन की जा रही है, और ट्रैफिक लगभग 30% तक कम किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। बाइसिकल शेयर प्रोग्राम है, मतलब कि अगर बाइसिकल को आप कहीं पे लगा इस्तेमाल कर लगा दें आप, तो और अपने हिसाब से वो पे करके आपका इस्तेमाल करें, तो ये भी एक तरह का अच्छा टेक्नोलॉजी है, अच्छा मतलब सिस्टम है किसी भी कंट्री या किसी भी सिटीज में, जो कि मतलब ये किसी भी सिटी में मतलब कि कार्बन एमिशन करने वाले व्हीकल से बेहतर एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप इस्तेमाल कर लिए उसके बाद आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं कहीं पे इन लोकेशंस पर। तो इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है बहुत सारे सिटीज़ में, जैसे कि रांची हो गए या फिर हैदराबाद हो गए, बैंगलोर हो गए, तो इस तरह की ये ऐप बेस्ड साइकिल्स प्रोवाइड की जाती है जिसको आप इस्तेमाल कर सके करके कहीं लोकेशन पे आप उसके जहाँ पे डिजिनेटेड लोकेशन है वहाँ पे छोड़ सकते हैं। कुछ ये नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है ट्रांसपोर्ट मोड में, वो है पर्सनलाइज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें कि स्मॉल छोटे छोटे पॉड्स हो सकते हैं जो कि एक हाइट पे बने हुए ट्रैक में वो पास मतलब मूव कर सकते हैं, जिसका स्पीड 80 से 130 किलोमीटर पर आवर हो। तो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लानिंग कर रही है इस तरह की चीज़ों को गुड़गांव में लाने के लिए। कुछ और सिस्टम की बात करी जाए तो फास्टैग, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन जो है सिस्टम है इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है NHAI के थ्रू, जो कि RFID सिस्टम जो कि है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंडिटेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू फास्ट टॉल कलेक्शन करने का काम कर रही है, तो जो कि मतलब धीरे धीरे पूरे बहुत हो चुकी है और बहुत फास्ट मूवमेंट करवा पा रही है। तो मतलब होता ये है कि टॉल के लोकेशंस पर व्हीकल्स के बहुत ज़्यादा जाम लग जाते हैं, और जाम लगने से मतलब कि ट्रैफिक जाम से आप टाइमिंग भी किल हो रहा है, और साथ में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है GPS बेस्ड टॉल कनेक्शन। तो हाल ही में मतलब कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने बताया था कि अब धीरे धीरे वो 1 साल के अंदर GPS बेस्ड टॉल कलेक्शन लाने वाले हैं। तो ये ऐसा देखा गया है कि कुछ जो व्हीकल्स होते हैं जो टॉल के आसपास रहते हैं, तो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी टॉल देना पड़ रहा है उनको, अब कुछ लोग टॉल के पास नहीं रहते हैं तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हाईवे पर फिर भी टॉल नहीं दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए और फास्ट मूवमेंट करने के लिए ये GPS बेस्ड टॉल कलेक्शन इस्तेमाल किया जाने की मतलब प्लानिंग है अभी। इस बात कर ली जाए तो एक नया टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिसको बोलते हैं मेट्रो न्यू, जो कि नासिक में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब कि एक तरह से मेट्रो ही है। तो मेट्रो में है बस उसमें जो है एक मतलब बसेस की तरह काम कर रही हैं, बसेस की तरह इसमें मतलब रबर टायर लगे हुए, इसके लिए अलग से कुछ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल रोड से मूव कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा कोशिश किया जाए कि कंजेशन कम करते हुए, ट्रैफिक को कम करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाए रोड्स पे। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो कि नासिक में लाई गई है, धीरे धीरे और सभी कंट्रीज में लाई जाएंगी। तो मेट्रो रेल तो वैसे भी मेट्रो रेल और मोनो रेल धीरे पॉपुलर हो ही रही हैं, तो मेट्रो नियो भी धीरे धीरे इंप्लीमेंट की जा रही है। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी है जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है या फिर की जा सकती है फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट मोड में। तो अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।